वेलकम टू ईशानी वीडियोस। कुमकुम भाग्य का आज का एपिसोड तो आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आप जी टीवी और जी फाइव ऐप डाउनलोड करके कभी भी एपिसोड देख सकते हैं। आने वाले एपिसोड में अभी और प्रज्ञा दोनों मिलने वाले हैं, दोनों के बीच में रोमांटिक मूवमेंट भी आने वाला है, लेकिन साथ ही साथ प्रज्ञा के साथ में कुछ ऐसा होने वाला है जिसको देखकर अभी काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ प्राची का एक महाप्लान सामने आने वाला है जिसके बारे में हम आपको हिंट देंगे, वो भी बोनस पॉइंट के तौर पर। लेकिन उससे पहले आप सब एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें एप्रिसिएशन मिलते रहे और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट प्रोवाइड कराते रहें। आपको देखने को मिलने वाला है आने वाले एपिसोड में कि किस तरह से यहाँ पर अभी और प्रज्ञा दोनों मिलते हैं यहाँ पर ऑफिस के दौरान, यानी ऑफिस समझ लीजिए या फिर पुलिस स्टेशन समझ लीजिए, दोनों वहां पर मिलते हैं और अचानक से उन दोनों के बीच में होती है टक्कर और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखकर इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि वो सब ध्यान नहीं देते कि आखिर में वो कौन सी जगह पर और कैसे हैं। यहां पर वो एक दूसरे को कुछ बोले बिना यहां पर रह नहीं पाते, यहां पर क्या बोलें उनको समझ नहीं आ रहा होता और इसी के बीच में यहां पर दोनों इमोशनल हो जाते हैं। और साथ ही साथ यहां पर एक सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, अब यहां पर आपको आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि यहां पर प्रज्ञा को आएगा थोड़ा सा चक्कर जिसको लेकर काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा यहां पर अभी। अब यहां पर अभी और प्रज्ञा थोड़ा बहुत अपने एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का यहां पर बात तो करेंगे, लेकिन उनके बीच में कुछ अड़चनें जरूर आने वाली हैं। अब वो कौन सी है जल्दी आपको पता चल जाएगा। लेकिन अब बारी आ चुकी है सबसे बड़े ट्विस्ट की कहानी के अंदर। कहानी के अंदर ट्विस्ट आने वाला है क्योंकि अब शादी का सीक्वेंस शुरू होने वाला है और रणवीर और प्राची के बीच में कुछ ऐसी बातें चल रही है और कुछ ऐसी चीज चल रही है जिसको सुनकर आप काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं, लेकिन वो भी बोनस पॉइंट के तौर पर। लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि यहां पर प्राची और रणवीर की तरफ से एक प्लान बनाया जाता है जिसके अंदर आर्यन और सहाना भी शामिल होते हैं। अब इन सब ने मिलकर एक प्लान बनाया है और साथ ही साथ रणवीर की शादी के दौरान यहां पर अब राहुल को लाने वाले हैं। अब कैसे लाएंगे, कल आपके लिए स्पेशल वीडियो आ रही है, उसको देखना मत भूलिएगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें एप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसी रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट प्रोवाइड कराते रहें।